और पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस दौरान कोई उन्हें चुनरी उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई फूल बरसाकर उनका स्वागत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और ये बताता है कि मेरे प्रति और चुनाव के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, मोदी जी के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, योगी जी के प्रति कितना उत्साह है लोगों में चुनाव। ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा। युद्ध की आशंका के चलते ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने के निर्देश दिए। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोका। इजराइल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू की डिफेंस चीफ से होगी मुलाकात। ईरान के खतरे पर करेंगे विचार। ईरान के हमले से निपटने के लिए इजराइल की तैयारी तेज। ईरान के हमले करने के हालात में इजरायली सेना और मोसाद जवाबी तैयारी में जुटी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन करने का ऐलान किया। कहा, हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने इजराइल के तट पर भेजा अपना एडवांस युद्ध पोत। युद्ध के दौरान इजराइल को मिलेगी मदद। लेबनान का इजराइल पर हमला, लगभग 40 रॉकेट दागे गए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को हवा में ही नष्ट किया। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक 15 अप्रैल को भगवंत मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकेंगे। 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई कस्टडी में भेजने के आदेश दिए। सीबीआई ने के कविता की 5 दिन की कस्टडी की मांग की। खालिस्तान समर्थकों और आतंकियों से गठजोड़ वालों पर एनआईए का शिकंजा। पंजाब में नामित आतंकवादी रमनदीप सिंह उर्फ रमन की अचल संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली एयरपोर्ट से केजीएफ यानी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का आतंकी प्रभरीत सिंह गिरफ्तार। जर्मनी से आतंकियों की भर्ती और सहायता करने का मॉड्यूल चला रहा था। स्कूल बसों को लेकर गुरुग्राम प्रशासन का बड़ा एक्शन। 45 बसों की जांच, 16 बसों का किया गया चालान। हरियाणा में कनीना स्कूल हादसे से पहले का सीसीटीवी आया सामने। बस खेड़ी गांव में पहुंची तो ड्राइवर के 4 दोस्त भी हुए थे बस में सवार। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या पर जल मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। एमपी के रीवा में खुले बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को निकालने की कोशिश जारी। 7 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा, मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर। मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर हुई 4.85%। खाद्य महंगाई दर 8.66% से घटकर 8.52% हुई। शहरी महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.14% तक पहुंची। ग्रामीण महंगाई दर 5.34% से बढ़कर 5.45% हुई। वहीं सब्जियों की महंगाई दर 30.25% से घटकर 28.34% हुई। दिल्ली के सीलमपुरी इलाके में युवक के सिर में मारी गई गोली। युवक की हालत नाजुक, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। एमपी के मुरैना में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करने का वीडियो आया सामने। मोबाइल फोन, किताबें और नोट्स रखकर परीक्षा देते नजर आए छात्र। राजस्थान कुशलगढ़ में होटल में खाना देरी से देने पर मैनेजर और कुक के साथ मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की 2 लोगों ने की बुरी तरह से पिटाई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को सही जगह पार्क करने को कहा था। यूपी के अमरोहा में मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हमले में एक युवक की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बढ़ा भालू का आतंक। इलाके में एक शिव मंदिर में भालू ने डारा डेला। मध्य प्रदेश के मुरैना में कॉलेजों की बदहाली की तस्वीर आई सामने। बिल्डिंग ना होने से टेंट के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हुए छात्र। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू के हाथ लगे अहम सुराग। 3 आरोपियों को एसीबी ने किया गिरफ्तार। धार की बोधशाला में सर्वे का काम लगातार जारी। 22वें दिन एएसआई की टीम ने किया सर्वे। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस का दिखा अमानवीय चेहरा। घटा थाने में पहुंची बुजुर्ग फरियादी को ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने दी गाली। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना सिटी में कुएं में गिरा ऊंट, ऊंट की मशक्कत के बाद निकाला गया। जेसीबी मशीन और गड्ढा खोदकर किया गया रेस्क्यू।
इसराइल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी दूतावास के बाहर निकाली गई रैली। गाजा के वेस्ट बैंक में इसराइल के हमले में फिलिस्तीन के दो नागरिकों की मौत का दावा। हमले में विरोध में निकाली गई रैली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई। कोर्ट की बातें नहीं मानने का आरोप। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एक साल बाद स्वदेश लौटे ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता। चर्च में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में इमारत से टकराया ट्रक, एक की मौत, कई लोग घायल। थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गोरिल्ला लड़ाकों का कब्जा। विदेश मंत्री ने म्यांमार के सेना से की शांति बरतने की अपील। यूक्रेन में रेस्क्यू टीम ने आग से कुत्ते के 5 बच्चों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जारी किया गया वीडियो। अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता कर रहेंगे मौजूद। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मिल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। घोषणा पत्र में ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर होगा फोकस। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र जारी। आरजेडी ने जनता से किए 24 वादे। तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने से लेकर मुफ्त शिक्षा, फ्री इलाज का किया वादा। जेडीयू और चिराग पासवान ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर कसा तंज। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर लगाया देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा दो परमाणु बम बनाने वाले देशों का पड़ोसी होने के बावजूद भारत की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है एनडी गठबंधन। अब इसी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। ईरान और इसराइल में जंग की तैयारी तेज। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन की खबर। ईरान के अंदर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की तैनाती हुई तेज। अमेरिका ने ईरान को दी इसराइल से दूर रहने की धमकी। खतरे को देख भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान की यात्रा न करने को कहा। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पर बड़ा पर्दाफाश। फर्जी आधार कार्ड के जरिए कई होटल्स में रुके। पुलिस को आरोपियों के कई सीसीटीवी भी हाथ लगे। भोपाल के हैदरी मस्जिद में लगे मोदी मोदी के नारे। बोहरा समाज ने मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहराए पोस्टर।